हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले दो से तीन सप्ताह से मुमरा कौसा शील दीवार इस पूरे परिसर के बिजली उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर के काफी परेशान है, और जो फ्रेंचाइजी अब टोरन कंपनी को कलवा मुमरा कौसा शील दीवा इस पूरे परिसर की महावितरण द्वारा दी गई है, तो उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं बिजली बिलों में गड़बड़ी हो रही है, हमें बेतहाशा बिल भेजे जा रहे हैं, 12 रुपए स्लैब के हिसाब से बिल भेजे जा रहे हैं, ऐसी कई शिकायती ग्राहकों का तांता जो है रोजाना खरडी के इस दावत बंकेट हॉल में जो टोरेंट का ऑफिस बना हुआ है वहां पर लगा हुआ रहता है। एक दो राजनीतिक दलों ने यहाँ पर आंदोलन भी किए, आकर के उनके नेताओं ने बातचीत भी की, लेकिन क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से बातचीत हुई है, वो पूरी तरीके से आवाम के सामने नहीं आया है। हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार टोरेंट कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे कि इस मामले का खुलासा होना चाहिए, लोगों की जो शिकायतें हैं वो आप उस पर अपना क्या पक्ष रख रहे हैं, किस तरीके से ये बढ़े हुए बिलों की बात का जो आरोप है उसके जवाब में आप क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टोरन कंपनी के पीआरओ है चेतन बिदियानी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो फिलहाल नहीं उपलब्ध हो पाए, इसके लिए आज ये तमाम शिकायतें जो लेकर के हमारे साथ में बातचीत के लिए आए हैं टोरन पावर लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं प्रदीप वाकनकर जी। प्रदीप जी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये शिकायतें तो लोगों की क्या है आप तक पहुंच चुकी है, कलवा में भी लोगों की शिकायतें आ रही है, मुमरा कौसा में भी आ रही है, शील दीवा में भी आ रही है जी। और मुझे लगता है कि आप दोनों कार्यालयों में जो है लगातार लोगों के संपर्क में भी बने हुए हैं जी। बिल्कुल। तो ये जो बढ़े हुए बिलों का मामला है जी। तो ये बड़ी भी अमाउंट है, चार्जेस बढ़ गए हैं और टैरिफ भी बढ़ गया है, ऐसा जो लोगों का कहना है जी, इस पर क्या कहेंगे आप जी। सबसे पहले तो मैं टोरेंट पावर लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं को सादर नमस्कार करता हूं। जी हां, आज जो बिल लोगों को प्राप्त हुए हैं वो ज़रूर एक चर्चा का विषय हैं। सभी उपभोक्ताओं के मन में अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, तो यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बढ़े हुए बिल लग रहे हैं वो वास्तव में अगर हम देखें तो या तो 60 दिन के हैं या 90 दिन के हैं। अभी 60 या 90 दिन की जो अवधि है उपभोक्ता अपने बिलों पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे बिल में बिलिंग मोड के माध्यम से हमने दिखाया है, जहाँ 90 लिखा है उसका अर्थ होता है कि यह 3 महीने का विद्युत खपत का बिल है, जहाँ 60 लिखा है वहाँ पर यह 2 महीने का बिल है। अभी ये 2 महीने या 3 महीने क्यों हुआ, तो लॉकडाउन के बाद माननीय विद्युत नियामक आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया था 26 मार्च को। जी हाँ, MERC जिसे हम लोग MERC के नाम से जानते हैं, तो 26 मार्च को उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया था राज्य की सभी विद्युत कंपनियों को कि वो लोग सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो विद्युत सप्लाई को निर्बाध रूप से मेंटेन करने में आवश्यक हो। तो उस दिशा निर्देश के अनुसार मीटरों का रीडिंग लिया जाना संभव नहीं था किसी भी कंपनी के लिए। पुनः जब ही लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता गया तो 9 मई को उन्होंने फिर से एक दिशा निर्देश हमें जारी किया, ये आप देख सकते हैं, ये 26 मार्च का दिशा निर्देश है और उसके बाद ये 9 मई का दिशा निर्देश है। इस दिशा निर्देश के अनुसार पुनः मई माह में 13-14 तारीख के आसपास हम लोग ने मीटर का रीडिंग लेना शुरू किया। अभी क्या होता है कि जो नियम है, नियम के अनुसार जिस किसी माह में मीटर का रीडिंग लेना बंद होता है तो उससे पहले के 3 माह जिनमें निरंतर मीटर रीडिंग लिया गया हो उसमें जो विद्युत की खपत आई है उसका एवरेज निकाल करके बिल किया जाता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये 2 माह औसत बिल के हैं और उसके पहले के जो 3 विद्युत खपत के जो आंकड़े हैं उनको टोटल करके उसको डिवाइडेड बाय 3 करके ये 2 माह का एवरेज बिलिंग दिया गया। अभी हुआ क्या है कि नियमानुसार वास्तविक रीडिंग लेकर के बिल देना आवश्यक होता है, तो जब रीडिंग लिया गया किसी का 15 मई के बाद लिया गया है, किसी का जून में लिया गया जी। तो पिछला रीडिंग और अभी के रीडिंग में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो उनका वास्तविक विद्युत खर्च है।
जिसने जिसके इसमें 60 है, इसका मतलब है कि उनके दो रीडिंग के बीच में 2 माह का अंतर है, जिसमें 90 है उनका 3 माह का अंतर है। तो अभी देखने पे क्या लगता है कि ये मेरा 1 माह का, क्योंकि लोगों को 2 माह का औसत का बिल मिला था, तो अभी उन्हें लगता है कि वो मेरा विद्युत का खर्च था और अभी मुझे 1 ही महीने में पूरा बढ़ के दिया है, जबकि ये ऐसा नहीं है। वो 3 माह का या 60 दिन का जिसके लिए जो लागू होता है, वो उतने अवधि का उनका बिल का खर्च है और जो औसत है उसको जो वास्तविक रीडिंग के बाद जो बिल तैयार किया गया उसमें एडजस्ट किया गया। जी हाँ, ये वाकनकर जी एक बात और है, कई लोगों ने यहाँ पर हमने सुना शिकायत की कि एवरेज बिल की जो आप बात कर रहे हैं, औसत बिल जी, तो ये जो औसतन एवरेज बिल जो आपने भेजे थे जी, तो इनका भुगतान करने के बावजूद जो है लोगों की शिकायत है कि वो पैसा डिडक्ट होता हुआ नजर नहीं आया है और उस तरीके वो वापस से इंक्लूड होकर के उनको बिलिंग में आया है जी, तो इसका क्या खुलासा करेंगे आप? जी, इसका खुलासा जो बिल हमने दिया है वो अपने आप में करता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो उनका बिल कैलकुलेट किया गया है उसके बाद तीसरी लाइन में एडजस्टमेंट करके एक रो है जहाँ पर जो उन्होंने भुगतान किया गया था वो आंकड़ा यहाँ पर माइनस किया गया है। जो भुगतान किया था उसमें से चूंकि फिक्स चार्ज जो होता है वो रिफंड नहीं होता है, क्योंकि आप विद्युत खर्च करें या नहीं करें वो लगता है, तो वो फिक्स चार्ज का अमाउंट हटा करके बाकी पैसा उनको पुनः दिया गया है और ये बिल में विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। जो एवरेज बिल भेजे गए उसमें जो निर्धारित हमेशा के जो चार्जेस होते हैं, जो फिक्स चार्जेस होते जी, उसको हटा करके जो अमाउंट बची है वो बिल में इंक्लूड की जी हाँ, वो उसका पूरा क्रेडिट यहाँ पर दिया गया है और जितने भी उपभोक्ता हमसे ये बात समझने आते हैं उनको बताया भी जाता है पूरा। अच्छा वाकनकर जी, ये तो बिलिंग पर बात हो गई जी, मैं बता दूं जब से कलवा मोमरा कौसा शील ये पूरे परिसर की फ्रेंचाइजी महावितरण से आपने ली है जी, ये आपकी कंपनी जब से यहाँ आई है तो लोगों की शिकायतें दूर करने में सक्षम साबित नहीं हुई है, ऐसा लोगों का आरोप है। कई इलाकों में जो है कंप्लेंट करने के बाद जो है दो दो तीन तीन घंटे के बाद वर्किंग टीम पहुंचती है, फॉल्ट मिलता भी है तो 1 घंटे के बाद जो है दोबारा फॉल्ट हो जाता है, या फिर 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे इस तरह की जो है वहां पर बिजली गुल रहती है। किसी किसी इलाके में जैसे ठाकुरपाड़े का मुमरा का इलाका है, आनंद कोलीवाड़ा का इलाका है, ऐसे कई इलाकों में जो है अलमास कॉलोनी है 16 घंटे 2 दिन 24 घंटे ऐसी बिजली नहीं रही है, तो ये कैसे इसको देखा जाए, कंपनी का फेल्योर है, कंपनी का वर्क सिस्टम फेल्योर है या किसी और कारणवश जो है कंपनी इसको समय पर ठीक नहीं कर पाई, क्या इसका खुलासा करेंगे? नहीं देखिए, इसको मैं असफलता नहीं कहूँगा। कंपनी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि जब से हमने चार्ज लिया उसके तुरंत 3 हफ्ते के बाद में ये दुविधा सबके सामने आ गई और इस दुविधा के चलते कहीं ना कहीं हमारी जो हमारे पास जो ये था मैन पावर था उस पर भी कहीं ना कहीं पे फर्क पड़ा है जी। तो लॉकडाउन की वजह से मैन पावर का, क्योंकि आवागमन की स्थिति और ये सब को देखते हुए थोड़ा सा उसमें भी कमी थी, लेकिन उसी दौरान आप देखें रमजान का महीना भी था तो सभी कर्मचारियों का हमारा एक ही एक उद्देश्य था कि ग्राहकों को निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई मिलता रहे, ताकि इस दुविधा की स्थिति में वो अपने घरों में आराम से रहें, सुरक्षित रहें। तो दिन रात एक करके हमारी टीमों ने काम किया है, तो नेटवर्क है उसमें कुछ काम करने की आवश्यकता है जिसको हमारी टीम कर रही है, कहीं काफ़ी जगह पे हमने सुधार का कार्य किया भी है और उसके परिणाम दिख रहे हैं सामने। प्रदीप जी, आपने रमज़ान महीने का जिक्र किया और खास करके आप अच्छे से जानते हैं मोमरा कौसा मुस्लिम बहुल इलाका है जी, तो रमज़ान में ही बहुत ज़्यादा बिजली जाने की शिकायत रही है, घंटों बिजली नहीं रही है, लोगों को सहरी भी अंधेरे में करना पड़ी, रोज़ा भी अंधेरे में खोलना पड़ा और ये किसी न किसी साजिश के तहत किया जा रहा है और जानबूझकर टोरेंट कंपनी ऐसा परेशान कर रही है, ऐसी एक आम धारणा लोगों की बन चुकी थी। नहीं जी, ऐसा ये गलत धारणा है और ऐसा कतई नहीं है। हमारे लिए सारे उपभोक्ता हमारे सम्माननीय उपभोक्ता हैं, सभी को हम एक ही नज़र से देखते हैं और जहाँ जहाँ भी फॉल्ट हुए हैं वो किसी विशेष इलाके में हुए हों ऐसा नहीं है, फॉल्ट जहाँ भी हुए हैं उनको उसी मुस्तैदी के साथ हमने अटेंड किया है और उसी शीघ्रता से उसको ठीक करने की कोशिश की है।
अच्छा, हम दोबारा बिलिंग पर आते हैं जी, जी, ये 60 दिन और 90 दिन यानी 2 महीना और 3 महीना हाँ, ये ऐसा कंप्लीट बिल अभी लोगों को आया है जी, जी, मई में, मध्य मई से जो है, मिड मई से ये तमाम रीडिंग्स लेने का काम शुरू हुआ। तो अब आगे जो है ये सिंगुलर एक एक महीने का बिल आता जाएगा लोगों जी हाँ बिल्कुल, तो ऑटोमेटिकली ये रकमें कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, यानी प्रति माह जिसका जितना कंजप्शन होगा जी बिल्कुल, वो उसी हिसाब से उसको बिल अभी आएगा। अभी जैसे किसी का रीडिंग अभी 15 जून को हुआ होगा जी, तो अगला रीडिंग उनका जो हमारा निर्धारित शेड्यूल होता है उसके मुताबिक 15 जुलाई को होगा। कभी ऐसा होता है कि 15 जुलाई की जगह 16 जुलाई हो सकता है, एक हाथ दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अब इस दो रीडिंग के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो उनका वास्तविक इस माह का खपत होगा, इस एक 30 दिन के लिए जी। उनका अगला बिल इस 30 दिन के हिसाब से ही आकलन किया जाएगा और वो उनको दिया जाएगा। तो जो गलत धारणा है कि अभी आगे से सब ऐसे ही गलत, मतलब बड़े हुए बिल जाएंगे लोगों को, गलत तो वो समझ रहे हैं, गलत है नहीं, तो उसके हिसाब से बिल जाएंगे ऐसा नहीं है। यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, आपने बातचीत में बोला था कि लोगों को लग रहा है कि हायर स्लैब पे उनका बिलिंग किया गया है 12 रुपए के हिसाब से। जी हाँ, तो मैं वो भी खुलासा कर देता हूँ कि हमने इस माह के बिल के साथ में ये कैलकुलेशन शीट हमारे सारे उपभोक्ताओं को दी है जी। और इसमें जैसे आप देखेंगे कि ये 90 दिन का बिल है, तो ये 90 दिन को हमने यहाँ पर पूरा इसका विवरण दिया है जी। अभी चूंकि जिसके मार्च में समझिए 5 मार्च को किसी का रीडिंग हुआ होगा जी, तो 5 मार्च और 5 फरवरी के बीच का जो उनका बिल है वो फेब्रुवरी के लिए है। 5 मार्च से 31 मार्च तक का पुराने दरों पे हमने आकलन किया है, क्योंकि आप जानते हैं MERC ने 1 अप्रैल को दरों का रिवीजन किया है जी। तो 31 मार्च तक हमने पुरानी दरों से कैलकुलेट किया है और 31 मार्च के बाद 1 तारीख के बाद से रीडिंग होने के दिन तक का नए रेट से किया है। MERC ने नई रेट्स की जो गाइडलाइन दी है, जी हाँ, उस गाइडलाइन से, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि MERC की जो से कुछ 8% उन्होंने उसमें रेट्स बढ़ाए नहीं, एक्चुअली हम देखें, मैं आऊँगा उस पर भी, वो रेट्स बढ़े हुए दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअली उन्होंने कमी की घोषणा की है, मैं अच्छा। बताता हूँ आपको वो भी जी। अभी इसमें हमने क्या किया है कि जो डिफरेंस आया है वो हमारा यूनिट्स आए हैं 3 महीने के लिए जी। तो उन यूनिट्स को हमने डिवाइडेड बाय 90 किया ताकि हमें 1 दिन का ऊर्जा का खर्च मालूम पड़ सके जी। उसको हमने जितने दिन मार्च में आए हैं उससे गुणा करके मार्च के यूनिट्स निकाले हैं जी। और 1 अप्रैल से रीडिंग होने के दिन तक के दिनों को 1 दिन के ऊर्जा खपत से गुणा करके उतने दिन का निकाला है। अब बात आती है स्लैब की, तो स्लैब 3 हैं हमारे, शुरू के 3 जो स्लैब हैं, 0 से 100 यूनिट्स, 101 से 300 यूनिट और 301 से 500 यूनिट। तो शुरू के 100 यूनिट 30 दिन के लिए हैं, लेकिन यदि यहाँ पे 36 दिन आए हैं तो आप देखेंगे कि 100 से ज़्यादा 120 दिनों को 120 यूनिट्स को हमने पहले स्लैब में लिया है। तो यहाँ हमने स्लैब का फ़ायदा दिया है लोगों को। ऐसे ही अगले ये 713 में से अगर हम देखें तो 101 से 300 के बीच में 200 यूनिट्स पे अगला स्लैब लगता है। लेकिन यहाँ हमने 240 यूनिट्स पे लगाया है। अच्छा। इसका अर्थ है कि स्लैब को प्रो रेटा बेसिस पे हमने कैलकुलेट करके जो उस स्लैब का रेट है उस रेट पे बिल किया है, ना कि पूरे यूनिट्स को हायर स्लैब से मल्टीप्लाई करके बिल बनाया है। अच्छा। तो ये जो एक गलत धारणा है ये हम सारे उपभोक्ताओं को समझा रहे हैं, बिलों के साथ हमने ये दिया है। जो लोग चर्चा के लिए आते हैं हम उन्हें ये दिखाते हैं, अपना टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं और वो लोग इसको समझ के संतुष्ट होकर के जा रहे हैं और बिल भर रहे हैं। अच्छा जी हाँ, यानी कि जो भीड़ लग रही है, लोगों की चीख पुकार मच रही है, उसके बावजूद जो है जी, आपके खुलासे के बाद, आपके जो आंकड़े दिखाने के बाद, आप अपने कंप्यूटर पर टीवी स्क्रीन पर जो उनको खुलासा दिखा रहे हैं तो उसके तहत लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके बावजूद प्रदीप जी एक बात और है, कुछ लोगों से हमारी बात भी, शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने आरोपों पर कुछ कायम हैं और उनका अब कानूनी मतलब कंपनी के खिलाफ कोई कदम उठाने का मामला चल रहा है, तो ऐसी स्थितियों से कैसे निपटेंगे आप?
जी, टोरेंट पावर कंपनी माननीय विद्युत नियामक आयोग और MSEDCL के नियमों का पूरी तरह से पालन करती है और जो भी हमारी कार्यशैली है वो पूरी ट्रांसपेरेंट है और इसी तरह से हम खुलासा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और आगे भी जो भी काम हमारा होगा वो तो प्रत्यक्ष सबको दिखेगा, उसमें ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ सोचना पड़े। प्रदीप जी, बात का समापन करने से पहले एक आखिरी बात कहूँगा कि कलवा मुमरा कौसा शील दीवा जी, ये पूरा फ्रेंचाइजी आपके पास है, यहाँ के तमाम बिजली उपभोक्ताओं से आप अपनी कंपनी की मार्फत क्या संदेश देंगे, ये जो शिकायतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, अपनी सेवा को ध्यान में रखते हुए? जी, ये मैं अपने सारे उपभोक्ताओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी धारणाएं आपके पास आ रही हैं उन पे विश्वास न करते हुए यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न होता है तो हमारे उपभोक्ता सेवा केंद्रों पे आप आइए, वहाँ पर आपके सारे प्रश्नों का निवारण किया जाएगा। आपकी कोई भी यदि समस्या है हमारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं, साथ ही साथ हम लोग विभिन्न माध्यमों से लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। तो एक गुजारिश सबसे मैं ये भी करना चाहूँगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यहाँ पर अपडेट कराएं ताकि जो मैसेजेस हमारी कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं वो सीधे आप उनके पास पहुँच जाएं और किसी विकृत फॉर्म में उनके पास में ना जाएं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारे साथ में उनका रहेगा तो उतना ही उनको क्लैरिटी होगी, किसी भी समय हमारे किसी भी उपभोक्ता केंद्र पर वो आ सकते हैं। जो टैरिफ का चार्ट है हमारा नया वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, वो चाहे तो वो उसे ले जा सकते हैं अपने साथ में। तो इस तरह से हम लोग निरंतर ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा देने के लिए तत्पर हैं, अभी तक भी उसी भावना के साथ काम करते आए हैं, आगे भी उसी भावना के साथ काम करेंगे और निरंतर अच्छी सेवाएं देते रहेंगे। सभी उपभोक्ताओं से मेरा एक और निवेदन है कि जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है हमारी टोरेंट पावर लिमिटेड की भी हैं वो हमारे वेबसाइट connect.torrentpower.com पर जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही हमारा एक मोबाइल ऐप है टोरेंट पावर कनेक्ट, उसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा। उस पर ना सिर्फ आप आपका बिल देख सकते हैं बल्कि आपके भुगतान की पूरी हिस्ट्री उस पर मिलेगी। आपके यहाँ पे यदि पावर की कोई समस्या है तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, उस ऐप के माध्यम से नई एप्लीकेशन आप दे सकते हैं और भी तमाम सुविधाओं का आपको उससे लाभ उठाया जा सकता है। तो पुनः सबसे एक बार निवेदन है मेरा कि इसे डाउनलोड करें, धन्यवाद। कलवा मुमरा कौसा शील दीवा, यहाँ के तमाम बिजली उपभोक्ताओं की बड़े बिलों के संबंध में शिकायतों को लेकर के और अन्य बिजली आपूर्ति की समस्याओं को लेकर के ये थी आज की हमारी टोरेंट पावर कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रदीप वाकनकर जी से बातचीत। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट।